हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके अपनी सोलमेट शबाना। आज मैं अपने एक स्टूडेंट को आपके सबके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रही हूं। जून 2020 की एनर्जी रीडिंग आज मेरा स्टूडेंट, मेरा जिसने मेरे से बेसिक्स और एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग सीखी है, मेरा बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट कहेंगे या बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कहेंगे। मैं और भी अपने स्टूडेंट्स को मौका देती हूँ और उनको भी मैं आगे क्लाइंट्स भी देती हूँ, और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इनका नाम है दीपक सोनी। ये राजस्थान को बिलोंग करते हैं और अभी इन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग मुझसे ली है, और मैं उन बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करना पसंद करती हूँ जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं। तो जो हमारे ये स्टूडेंट हैं, इनको मैंने ये टास्क दिया कि आपको जून 2020 जितने भी जोडियक साइंस हैं उनकी आपको एनर्जी रीडिंग करनी है, हर राशि के लिए लकी कलर और लकी नंबर भी बताना है। तो हियर कम्स माय स्टूडेंट, और आई होप आप लोगों को पसंद आए, और मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स की भी टाइम टू टाइम रीडिंग्स आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, और इन सबको आप एनकरेज करिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लोग भी काम करें। और बिल्कुल वही मेरा नाम करेगा रोशन जगमी, मेरा राज दुलारा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको ये मौका दूंगी कि वो आगे बढ़ें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स, आप रीडिंग्स इंजॉय करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सोनी है, मैं हनुमानगढ़ से हूँ और अभी पुणे में पढ़ाई कर रहा हूँ। सो इस लॉकडाउन में मैंने सोलमेट शिवाना मैम से टैरो कार्ड का कोर्स किया था, बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स। सो आज मैं उन्हीं के कहने पे ये रीडिंग करने जा रहा हूँ, 12 राशियों की एनर्जी बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो मैं मेरे कार्ड्स शफल कर रहा हूँ, तो मैं कार्ड स्प्रेड कर ले रहा हूँ अभी। तो हमारी 12 राशियों में से पहली राशि है एरीज। सो मैं एरीज, आपकी एनर्जी जून के महीने में कैसी रहने वाली है, इसके लिए मेरे पास कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है एरीज, आप बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोचने वाले हैं, या फिर बहुत बड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत बड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा पैसा कमाने की सोच रहे हैं। बहुत ही मटेरियलिस्टिक रहने वाले हैं आप, और बहुत सोचा विचारी करने वाले हैं पैसों को लेकर कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ। जितने टाइम से आप प्लानिंग कर रहे थे पैसे पैसे लगाने की, इन्वेस्ट करने की, तो ये चीज़ आप डिसीजन लेने वाले हैं या ये इसके बारे में सोचने वाले हैं जून के महीने में। और आपका लकी कलर रहने वाला है येलो, एंड अगर बात की जाए लकी नंबर की तो रहने वाला है आपका 5, क्योंकि हमारे सूट्स में किंग को दिया जाता है 14th नंबर, तो 4 और 1 हुआ 5, तो आपका लकी नंबर रहने वाला है 5। सो चलते हैं हमारी अगली राशि पर। अगली राशि है हमारी टॉरस। सो टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द स्टार। द स्टार हमें बताता है इमोशन बैलेंस करना। टॉरस, आप इमोशन बैलेंस करने वाले हैं इस महीने, और बहुत ज़्यादा सोचा विचारी करने वाले हैं चीज़ों को लेकर, बहुत बैलेंस रहने वाले हैं, और बहुत ही अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपने फैमिली रिलेशंस को, अपने लव रिलेशंस को, अपने एजुकेशन करियर, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाले हैं आप जून के महीने में। और आपका लकी कलर है येलो, और आपका लकी नंबर है, वैसे तो हमारा स्टार का नंबर होता है 17th, और जैसे कि मैंने आपको पहले वाली राशि में बताया 17th, 1 + 7 हुआ 8, तो आपका लकी नंबर है 8। नेक्स्ट राशि है जेमिनाई। आपके लिए जून के महीने में कार्ड निकल कर आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये फायर एलिमेंट है सबसे पहली बात, और किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आप बहुत ही काम में फोकस्ड रहने वाले हैं, बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, और जो आपने प्लान बनाए हुए हैं पिछले दिनों में या पिछले महीनों में, वो प्लान्स आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मतलब ओवरऑल आप बहुत ही फोकस रहने वाले हैं,
हार्ड वर्क करने वाले हैं और बहुत ही मतलब सोच विचार ही करके अपना काम करने वाले हैं। और आपका लकी कलर होता है रेड और लकी नंबर होता है, जैसे कि मैंने बताया था किंग ऑफ वॉन्ड्स में किंग का हमारा नंबर होता है 14, तो आपका लकी नंबर होता है 5। अगली राशि है कैंसेरियन। सो कैंसेरियन आपके लिए कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ कप्स। कैंसेरियन आपका इतना अच्छा कार्ड नहीं आया है, आप बहुत ही दुखी रहने वाले हैं, बहुत ही परेशान से रहने वाले हैं, बहुत ही डिप्रेशन सा लग रहा है मुझे भी। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पानी की कमी नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि कब समय हमारा वाटर एलिमेंट होता है वो इमोशंस के बारे में, और अगर हेल्थ की बात की जाए तो वो पानी की कमी बताता है। तो कैंसेरियन आपको जून के महीने में वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। और आपका लकी कलर होता है मस्टर्ड और यू कैन से लाइट येलो, और आपका लकी नंबर होता है 5। अगली राशि है लियो। लियो आपके लिए जून के महीने का कार्ड आता है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल हमें बताता है कि आपके पास फाइनेंशियली कोई कमी नहीं रहने वाली है लियो, और ये हमें बताता है जो आपने काम किए हैं या फिर करेंगे तो आपको बहुत ही मत में बहुत सेटिस्फेक्शन रहने वाला है, अपने काम को लेकर बहुत ही सेटिस्फाइड रहने वाले हैं आप, और जो चीज़ की है आपको उस चीज़ का अचीवमेंट मिलने वाला है या फिर मिलेगा इस जून के महीने में। सो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है जून के महीने में लियो, और आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो। वर्गो के लिए हमारे पास कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है हमें किसी चीज़ का अंत हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो वर्गो, जो आपकी लाइफ में बुरा समय चल रहा था या गलत समय चल रहा था, आपका काम नहीं बन रहा था, या जितना भी बुरी चीज़ें हुई हैं वो आपकी ख़त्म होने वाली हैं और एक नई शुरुआत होने वाली है इसी महीने में। और अगर हेल्थ में देखा जाए तो आप बहुत ही कमज़ोर लाइक वीक फील करने वाले हैं इस महीने। सो मैं आपको यही बोलूँगा भी अपना चेकअप करवाएं डॉक्टर से और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। हमारी नेक्स्ट राशि है लिब्रा। सो लिब्रा आपके लिए जून के महीने के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल हमारा अर्थ एलिमेंट होता है पहली बात, और 4 ऑफ पेंटिकल हमें बताता है कि आप पैसों के लिए बहुत ही कंजूसी करने वाले हैं। कंजूसी का मतलब लाइक बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करने वाले हैं, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप बहुत ही अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने वाले हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को या फिर जितनी भी आपके पास कैपिटल है उसको बहुत अच्छे तरह से मैनेज करने वाले हैं। और मैं ये कहूँगा कि मुझे दिख रहा है कि आप पैसों के बारे में बहुत सोचने वाले हैं और बहुत प्लान्स बनाने वाले हैं पैसों के लिए, कि कहाँ मुझे खर्च करना है, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या चीज़ मुझे कैसे ख़रीदनी है। तो पैसे के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। सो आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। हम चलते हैं हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आता है, आपके लिए है 4 ऑफ वैंड्स। स्कॉर्पियो आप इस जून के महीने में बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत खुशनुमा माहौल होने वाला है, बहुत खुशियों का माहौल होने वाला है, आप बहुत ही पार्टी जैसा माहौल होने वाला है, सेलिब्रेशन वाला माहौल होने वाला है, अच्छा खुशियों का चमचमाता बहुत ही अच्छा मूड होने वाला है आपका। लकी कलर रहने वाला है येलो और लकी नंबर रहने वाला है 4। हमारी अगली राशि है सेजिटेरियस। सो देखते हैं सेजिटेरियस आपके लिए क्या कार्ड आता है जून के महीने के लिए। सेजिटेरियस आपके लिए निकल के आया है द सन। अपने आप में ही ये कार्ड बहुत अच्छा है,
आप इस महीने में बहुत चमचमाते रहने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं अपने आप को लेकर। और मैं ये कहूँगा कि आप अगर आपने कोई काम पहले किया हुआ है या फिर कोई एग्ज़ाम दे रखा है या कुछ भी कोई डील फाइनल कर रखी है या उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है, सेजिटेरियस आपका काम बहुत सही जाने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है इस जून के महीने में। लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न, 8 of Wands। वॉन्ड्स हमारा फायर एलिमेंट है, ठीक है, और वॉन्ड्स हमें बताते हैं कि ग्रोथ का साइन, बढ़ने वाले हैं आप, और 8 of Wands बताता है स्पीड, बहुत तेज़ी से। और मुझे ये दिखता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें साथ में लेके चलने वाले हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, अब वो वेट नहीं रहेगा, आप बहुत तेज़ी से काम होने वाला है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। सो कैप्रिकॉर्न आपका लकी कलर रहने वाला है ग्रीन और लकी नंबर रहने वाला है 8। नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस। सो देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए जून के महीने में क्या आता है। एक्वेरियस आपके लिए आया है 7 of Cups। 7 of Cups हमें बताता है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, बट हमें ये भी बताता है कि आप बहुत ही कंफ्यूज होने वाले हैं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं। अगर आप करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो करियर को लेकर आपको कन्फ्यूज़न होने वाला है कि मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ या क्या चीज़ लूँ। तो इस चीज़ को लेकर आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं मल्टीपल, बट आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होने वाले हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप एक्वेरियस सॉर्टेड रहिए, और आपका लकी कलर है लाइट येलो और आपका लकी नंबर है 7। सो हमारी अगली और आखिरी राशि है पाइसेस। सो पाइसेस आपके लिए कार निकल कर आया है 2 of Wands। वॉन्ड्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, वॉन्ड्स हमारे ग्रोथ का साइन है, हमारे ग्रोथ के बारे में बताते हैं। और जून के महीने में आपको आपकी ग्रोथ के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वेट करना पड़ रहा है किसी चीज़ का, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, यात्रा के बारे में या कोई काम करने के बारे में आप सोच रहे हैं, बट उस चीज़ में मुझे थोड़ा सा वेट नज़र आ रहा है। सो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका काम जल्द ही बन जाएगा। पाइसेस आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। आशा करता हूँ आपको मेरी रीडिंग्स बहुत अच्छी लगी होंगी, और शेबाना मैम का फेथ है मेरी रीडिंग्स में, वो मुझ पर विश्वास करती हैं। तो आज उन्हीं के कहने पे मैंने ये 12 राशियों की एनर्जीज निकाली हैं। सो ये जनरल रीडिंग थी, अगर आपको स्पेसिफिक रीडिंग करवानी है तो आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं और मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। परफेक्ट रीडिंग दीपक, परफेक्ट रीडिंग। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर माई स्टूडेंट। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि दीपक ने कितनी अच्छी रीडिंग्स करी, और अभी बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो अपनी स्टडीज़ भी कर रहा है और साथ में जो है टैरो की प्रैक्टिस भी कर रहा है। और नर्वस थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे, थोड़ा उनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने मुझे ये रीडिंग दी। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे काफ़ी पहले भी सीख चुके हैं, कई स्टूडेंट्स से तो अब कनेक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हों तो मुझसे तुरंत कनेक्ट हुए ताकि मैं उनको प्लेटफॉर्म दो, ठीक है। और थैंक यू सो मच दीपक, खूब चमको, खूब नाम रोशन करो, वेरी गुड रीडिंग, मुझे आपकी रीडिंग बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच।